Hi, this is Ujjal Kumar Sen and you're watching Ujjal Kumar Sen YouTube channel. तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसा कौन कौन से हैबिट्स हैं जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं. एक्चुअली जो 9 हैबिट्स मैंने लिखा ये सारे हैबिट्स सारे सक्सेसफुल लोग फॉलो नहीं करते हैं. मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के स्टडी करा, बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत सारे रिसोर्सेज को स्टडी करा, उसके बाद इन 9 पॉइंट्स को मैंने उठाया. तो अगर आपको भी सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना है, हालांकि सक्सेस एक टर्म है बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सक्सेस, उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा. लेकिन आज आपको 9 हैबिट्स बताऊंगा. सारे हैबिट्स को पालना बड़ा डिफिकल्ट काम है एट ए टाइम. तो आपको क्या करना चाहिए, एक के बाद एक हैबिट्स को अप्लाई करना है और हैबिट बना लेना है, अपने लाइफ के हिस्सा बना लेना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप जिस मकसद के लिए इस वीडियो को देख रहे हो वो मकसद आपका पूरा हो. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट से आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑन टाइम हर काम को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा टाइमली कंप्लीट करना पड़ेगा. आप कभी भी ये मत डिले मत करो काम करने के लिए. अक्सर हम क्या करते हैं, असाइनमेंट बनाना है तो हम डिले कर देते हैं, पढ़ाई करना है हम डिले कर देते हैं, कल करेंगे कल करेंगे, वो कल कभी हो नहीं पाता है. हम सेमेस्टर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करते हैं, हम टेस्ट के प्रिपरेशन करते हैं, फिर बोलते हैं इस बार नहीं अगले बार पढ़ेंगे, फिर अगले बार कभी आ नहीं पाता है. मुझे याद है मेरे एक फ्रेंड था जब कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में था, उस टाइम मेरे को बोला था दोस्त इस बार मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, टेस्ट चल रहा था, मैं नेक्स्ट टेस्ट में पक्का टॉप करूंगा. और वो कभी टॉप नहीं करा, ना कभी पढ़ा ढंग से. तो आप क्या करो, स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाओ और अपना हैबिट बना लो पढ़ाई करने का. देखो दोस्तों पढ़ाई तो करना पड़ेगा आपको ना, अगर पढ़ाई नहीं करोगे आपके पास डिग्री नहीं होगा, आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होंगे. तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, मतलब एजुकेशन बहुत जरूरी है. नेक्स्ट मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रेजेंस. बहुत सारे क्या करते हैं स्टूडेंट एकेडमिकली काफी अच्छे होते हैं, सोचते हैं उससे काम चल जाएगा. नहीं, एकेडमिकली अच्छे हो प्लस पॉइंट है आपका, और उसको आप स्ट्रांग बनाओ. कैसे, जितने भी आपके कॉलेज में एक्टिविटीज होते हैं, चाहे आप अच्छे हो या बुरे हो, आप पार्टिसिपेट करो. आपका प्रेजेंस वहां पर होना बहुत जरूरी है. अगर आप प्रेजेंस हो उस जगह पर, मतलब कुछ ना कुछ सीख रहे हो. पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको क्या करना है, आपको जीतना है. इसका मतलब ये होता है कि आप और एक जगह पर और एक अपॉर्चुनिटी के लिए वहां पर जा रहे हो. जितना हारना तो लगा रहेगा, वो तो कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा, लेकिन आप वहां पर प्रेजेंट हो इसका मतलब क्या है, आप उनसे बेटर हो जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. आप देखे होंगे जब भी एक्टिविटी होता है कॉलेज में, बहुत सारे तो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करते. अरे पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आगे जाके कंपनी में जो एक्टिविटी होंगे उसमें कैसे काम करोगे, चाहे गवर्नमेंट करो प्राइवेट करो. तो पार्टिसिपेशन इज मस्ट. नेक्स्ट, ये कॉलेज ने, मैं खासे के लिए मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था तो आपको पता भी होगा, तो इसीलिए मेरे को पता है इसके बारे में. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बैड हैबिट्स क्या होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं. जो करते हैं तो बहुत ज्यादा करते हैं, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, पढ़ाई लिखाई इतना ज्यादा नहीं करते हैं. एवरेज की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे करते भी होंगे. तो आपको क्या करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करना चाहिए. मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ क्या करना चाहिए. सुबह उठो, ये 2 बजे तो जगने का कोई काम मतलब नहीं बनता है. सुबह उठ लो, 6-7 बजे तक उठ लो, उसके बाद थोड़ा सा आप वर्क कर सकते हो, थोड़ा से हल्का जॉगिंग टाइप का कर सकते हो, योगा कर सकते हो थोड़ा बहुत. उससे क्या होगा, आपका बॉडी फिट रहेगा. दोस्त अगर एक बार आपका बॉडी खराब हो गया ना, तो जितने ही पैसे कमा लो कुछ भी कर लो सबका 0 वैल्यू है. तो बॉडी को फिट रखना बहुत जरूरी है. और आजकल तो आपको पता है पॉल्यूशन इतने होते हैं, प्रॉब्लम आते हैं. तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बॉडी अपने सिस्टम को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा. राइट, सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तो आपका काम काफी अच्छा होगा, आप काफी अच्छे पढ़ सकते हो, काफी अच्छा अपने बिजनेस कर सकते हो, काफी अच्छा जॉब कर सकते हो. अगर सिस्टम ही खराब रहेगा, बॉडी खराब रहेगा, तो कैसे आपका कंसंट्रेशन बनेगा. राइट, तो आपको बॉडी अपना फिट रखना ही पड़ेगा. नेक्स्ट, मैंने देखा बहुत सारे मेरे को पूछते हैं सर नोट्स प्रोवाइड करो नोट्स. देखो दूसरे के नोट्स लेके फायदा क्या है, मुझे लगता नहीं, ना मैंने कभी दूसरे का नोट्स बोरो करा है. हाँ एक बार देखा जरूरी है उनका स्टाइल क्या है. आप नोट्स लो लेकिन प्रिपेयर योर ओन नोट्स, अपना नोट्स बनाओ ताकि आपको पता लगेगा कहाँ पर क्या चीज है और आप अपने आप को ज्यादा जानते हो एज कंपेरिजन टू अदर. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. देखो दोस्तों क्या है ना, जैसे मान लो क्या है, आप अगर प्रिपेयर करोगे नोट्स तो आपको पता है आपका रिक्वायरमेंट क्या, आप कितना पानी में हो.
दूसरे के नोट्स लोगे, वो उसको पता है कि वो कितने पानी में है, उसको क्या चाहिए। तो आपको अपना खुद का नोट्स बनाना चाहिए। जितने भी रिसोर्सेस हैं उसके यूटिलाइज, इसलिए मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट डाला है कि बहुत सारे रोते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास बहुत महंगे महंगे चीजें नहीं है। अरे भाई ठीक है, अभी नहीं है तो बाद में लेना, क्या दिक्कत है। तो आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं आपको क्या करना पड़ेगा, उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर वो रिसोर्सेस को आप यूटिलाइज कर लेते हो ना ढंग से, जितना भी अवेलेबल है, आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन जाओगे। ये बात आप दिमाग में डाल लो, जितने अच्छे से यूटिलाइजेशन सीख जाओगे आपका सक्सेसफुल होना उतना अच्छा हो जाएगा, राइट। अब चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। मैंने फिजिकल एक्टिविटी जरूर बात बोला, लेकिन उसके साथ मैंने एक पॉइंट डाला है कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से काम नहीं चलेगा आपका हेल्थ का। आजकल तो जंक फूड का मानो ही मतलब बिजनेस, और प्लस सारे चाहते हैं कि भाई जंक फूड ही खाना है, जंक फूड ही खाना है, जंक फूड ही खाना है, इधर जाना है उधर जाना है, जंक फूड लेना है, वो करना है ये करना है। भाई साहब जंक फूड खाना बंद कर दो, अगर खाने का मन भी करे तो महीने में बस एक बार, उससे ज्यादा नहीं। जंक फूड आपका हेल्थ तो खराब करेगा, प्लस क्या करेगा, आपका हेल्थ खराब करने से साथ साथ आपका जो रूटीन शेड्यूल है, रूटीन में जो काम कर रहे हो आप, वो उसे खराब करने वाला है। तो क्या करो आप, जंक फूड तो भाई साहब खाना बंद कर दो, बहुत जरूरी है। अगर आप जंक फूड बंद नहीं करोगे तो पता नहीं क्या होगा, जरूर बंद कर लो। खाने का मन करे तो फ्रेश फ्रूट्स खाओ, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं, वो खाने में बहुत मजा आता है। एक बार हैबिट तो डाल लो, देखो कितना मजा आएगा। नेक्स्ट, प्रॉपर स्ट्रेटेजी। जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं अपने स्टडी के लिए वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जितने कंपनीज में मैनेजर काम करते हैं सारे स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कैसे अपने गोल को अचीव करेंगे। जो जो स्टूडेंट स्ट्रेटेजी को अभी से फॉलो करते हैं उनको कंपनी में वो स्ट्रेटेजी को बनाना और फॉलो करवाना दूसरों से कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो कंपनी में जाके भी लीडर ही बनते हैं, क्योंकि उनको स्ट्रेटेजी बनाना आता है, स्ट्रेटेजी को लगाना आता है, और सक्सेस मतलब जो गोल है उनका उसको अचीव करना आता है। तो आप अगर इस तरह का स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना बनाना आपसे सीख जाओगे तो आपको मजा आ जाएगा, आप अपना जिंदगी में सक्सेस जरूर गेन करेंगे। नेक्स्ट, कभी भी वो क्विट नहीं करते हैं। मतलब आपको बता रहा हूं, मैं रिसेंटली एक सर्वे करा था, किसके ऊपर एक पोल डाला था, किसके ऊपर, फेसबुक पर जो ग्रुप है हमारा उसके ऊपर मैंने पूछा था कि आप किस चीज में प्रॉब्लम फेस करते हो ज्यादा। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ, 70-80% स्टूडेंट्स ने क्या वो डाला कि हमें न्यूमेरिकल कंसेप्ट में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों हो रहा है आपको बता देता हूँ। आजकल क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन मिल जाते हैं तो हम क्वेश्चन निकालते हैं, जैसे निकल नहीं रहा एक सेकंड दिमाग में डालें, जोर नहीं डालेंगे बिल्कुल ही, हम जाके सोल्यूशन देख लेंगे। तो कंसेप्ट कहां से बनेगा, दिमाग में जोर नहीं डालोगे तो क्वेश्चन कहां से बनेगा। आप सोल्यूशन देखोगे दिमाग खुल जाएगा, वो ये ऐसे था कि दिमाग में वो गया नहीं बात, आप भूल जाओगे। तो क्या करने है आपको, जब तक ना बने ना उसके पीछे पड़े रहो, तरह तरह की चीजें पढ़ लो, बुक निकाल लो, कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक निकाल लो, उसका तेजी को पढ़ो। उससे क्या होगा, उससे आपके जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगा, और वही चाहिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। लास्ट में बात करूंगा, दे कीप ऑन इंप्रूविंग। यस, आजकल जो हमारा मार्केट है डेली चेंज हो रहे हैं, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, कोई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है, कोई थोड़े से स्लो चेंज हो रहे हैं, लेकिन डेली चेंज हो रहे हैं। तो आपको जैसे जैसे इंडस्ट्री चेंज हो रही है, जैसे जैसे नया चीज आ रहा है, तो अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे, कीप ऑन इंप्रूविंग। दिस इज नॉट ओनली इन एजुकेशन फील्ड, इफ यू आर वर्किंग फॉर एनी कंपनी यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ। अगर आपने आपको इंप्रूव नहीं करोगे तो आपको फिर क्या होगा, लोग बोझ समझेंगे, ऐसे समझते हैं लोग। तो आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो होपफुली गाइस मैं बहुत सारा चीज बता दिया आपको, पता नहीं आपको बोरिंग फील हुआ, कैसा हुआ, मुझे कैसे लगा वीडियो जरूर बताएं, नीचे कमेंट करें, लाइक करें, लाइक मारो यार, मैं फिर और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाया करूंगा ऐसा वीडियोस। सो गाइस इन चीजों को इंप्लीमेंट करने का कोशिश करना, ताकि आपको क्या मिले, ज्यादा बेनिफिट्स मिले इन चीजों का, राइट। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, एंड होप टू सी यू सून इन माई नेक्स्ट लेसन। बाय।